हो सकता है पिछली गवर्नमेंट्स ने थोड़ा सा मिसमैनेज किया हो, मिसयूज नहीं मिसमैनेजमेंट कहाँ कभी इतों जाके उतने खर्चता हो जो अलाउड नहीं है, तो असं तो कह रहे हैं जिस तरह तुम कह रहे हो उस तरह ही खर्चा गए सू गांह तो तोरो ना। किनिया छे सरकार बीजेपी ने सुटिया ने, कांग्रेस के बंदे चुके ने, कांग्रेस के बंदे चुके अपने ऐड किए ने, तो आखिर मुफ्त ही गए ने कुछ लैके गए होने, जो पार्टी चेंज करता कुछ ना कुछ तो लैके करता होगा। यह चीज सारे वास्ते अवेलेबल होनी चाहिए, गुरबाणी का प्रसार तो प्रचार सारे वास्ते होना चाहिए। इस अकाली दल या बादल परिवार का कब्जा क्यों हो गया? कोई एक ग्रुप एक धड़ा या एक चैनल वो करता ना तो वो फिर अपने धड़े की गल करता है, क्योंकि अद्धा घंटा पहला अद्धा घंटा बाद प्रोग्राम दिखाते हैं जेडे उन्होंने हक की गल कर रहे होंगे। सबका मंत्री इंद्रबीर सिंह निज्जर साढ़े नाल ने गलबात करांगे, समझने की कोशिश करांगे जो अज RDF नूं लैके खास तौर पर जो मता पास किया गया बिल लिया गया उस दे उत्ते की गलबात रही है तो जानने की कोशिश करांगे। इंद्रबीर सिंह निज्जर साढ़े नाल ने तो किस तरीके दे नाल जो बहस हुई सी किवें देखदे हो अज जो RDF नूं लैके लगातार मुख्यमंत्री पंजाब ने अपने अंदाज दे विच गल रखी? RDF नूं लैके ना मान साहब दा तां अपना अंदाज है ही है, जो सब पसंद बहुत करते हैं, पूरे पंजाबी पसंद करते हैं, इनफैक्ट पूरे हिंदुस्तान ही पसंद करते उस गल्लू, लेकिन RDF सानू मिलना चाहिए, तुम सारे मनो के मिलना चाहिए, फिर बंदा पूछे क्यों नहीं दे रहे? जो असी ये पास भी करता है कि जो कानून है जिस तहत RDF यूज़ होना चाहिए असं उस तरीके ही करेंगे। हो सकता है पिछली गवर्नमेंट्स ने थोड़ा सा मिसमैनेज किया हो, मिसयूज नहीं मिसमैनेजमेंट कहाँ कभी इतों जाके उतने खर्चता हो जो अलाउड नहीं है, तो असं तो कह रहे हैं जिस तरह तुम कह रहे हो उस तरह ही खर्चा गए सू गांह तो तोरो ना, ना हम पिछलियां गलतियां जो किसी ने कीतियां असं उन्होंने अनलिमिटेड टाइम तो भी ले जाएंगे चुके। इस करके अज इस मुद्दे पर अकाली दल भी नाल सी और BSP साढ़े नाल सी और सवाल चुक रहे हैं कि एक्शन टेकन रिपोर्ट तो दे दो जिस दे विच लॉट्स ऑपरेशन लैके साफ तौर पर इन्ना खर्चा होया 6 करोड़ दे वांगू। प्रताप सिंह बाजवा कहते नज़र आए कि उसकी रिपोर्ट तो जनता कर दो सानू दे दो। किस गल एक्शन टेकन रिपोर्ट कि गलते ऑपरेशन लॉट्स लैके ऑपरेशन लॉट्स से कितना खर्च हो गया मैं समझ नहीं आई। देखो कोई कोई देखो देखो मेरी गल सुनो, कि पहला ऑपरेशन लॉट्स का जो इजलास बुलाया गया उस दा हाले तक कोई सामने आया कि किन्ने बताया कि जो खरीदे ने बीजेपी ने किन्ने के 25-25 लाख रुपया देता, क्योंकि आम आदमी पार्टी के वालों सवाल। देखो देखो मेरी गल सुनो, मेरी गल सुनो, किनिया छे सरकारां बीजेपी ने सुटिया ने, कांग्रेस के बंदे चुके ने, कांग्रेस के बंदे चुके अपने ऐड किए ने, तो आखिर मुफ्त ही गए ने कुछ लैके गए होने, जो पार्टी चेंज करता कुछ ना कुछ तो लैके करता होगा, तो उस तो बड़ा सानू प्रूफ की चाहिए, प्रूफ साढ़े को है ही है। हुण एड्डी वड्डी समस्या डिस्कस भी ना करिए, तुहाडे नाल डिस्कस ना करिए, तुहाडे सामने लैके ना आइए, प्रेस अगे ना लैके आइए। भाजपा ने आरोप लगाया कि जो ऑपरेशन लोटस है इसकी जननी अभिनय करने वाली सब कुछ आम आदमी पार्टी ही है। नहीं हम नहीं हैं, हम तो सिर्फ लोगों के सामने लेके आए हैं, जो 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 सारा काम किया वो तो BJP ने किया है, और आप जानते हैं 6 सरकारें कम से कम वो गिराई हैं उन्होंने, जहाँ से उन्होंने मेनली नहीं आपके ये तो सबके सामने है। आपको पता कि बहुत से कांग्रेस के विधायक जो हैं वो छोड़ के BJP में चले गए और गवर्नमेंट गिर गई, तो इससे ज़्यादा प्रूफ और क्या चाहिए होता है? अब हमारे साथ ट्राई की, हमारे साथ नहीं कामयाब हुए, बिकॉज हमारे जो MLA थे वो क्रांतिकारी हैं। बतौर सिख की सोचते हो जो फैसला गुरबाणी को लेकर किया गया, बतौर MLA नहीं बतौर सिख की सोचते हो जो फैसला विधानसभा के वालों किया गया? बतौर सिख मैं सोचता कि सानू किसी नू हक नहीं है कि कोई छोटा ग्रुप कोई छोटा तड़ा कोई छोटा ये कंट्रोल कर ले किसी चीज़ में, ये चीज़ सारे वास्ते अवेलेबल होनी चाहिए, गुरबाणी का प्रसार तो प्रचार सारे वास्ते होना चाहिए। इस अकाली दल या बादल परिवार का कब्जा क्यों हो, कोई किंतु वाली गल नहीं है। सीधे तौर पर सरकार SCPC के कामों के दखल देने लगी, क्योंकि जी धारा जी 1925 अमेंड करने की गल हुई है उसके कहते क्या गया कि सिर्फ जहाँ तक सेंटर गवर्नमेंट उसे कर सकती है, पंजाब की गवर्नमेंट सिर्फ लिख के दे सकती है पर उसे फैसला कोई नहीं ले सकता। देखो कानूनी तौर पर तो गल्ला निकल के अगे आ जाएगियाँ, कानूनी मार बहुत बैठे आ। एक निकी जी गल करदा, एक प्राइम चैनल प्राइम कोई एशिया आता प्रोग्राम सवेरे, तो वो बाट साहब होंगे ने नाले वो संधावलिया साहब होंगे ने, अज उन्होंने सर्वे किया एक सवेरे वो बैठे बैठे कर लेंगे ने, तो वो पूछा गया सवाल ये कि तुम चाहते हो कि जो प्रसार तो प्रचार है गुरबाणी का फ्री और सारे पास होना चाहिए, 85% लोगों ने कहा हाँ। सो लोग चाहते ने, सुन मेरी गल, सुन मेरी गल, वो इस तरह होंगे कि जदों
कोई एक ग्रुप एक धड़ा या एक चैनल वो करता ना तो वो फिर अपने धड़े की गल करता है क्योंकि अद्धा घंटा पहला अद्धा घंटा बाद वो जो प्रोग्राम दिखाते हैं जेडे उन्होंने हक की गल कर रहे होंगे ने सो कुदरती गल है बंदा 6:30 बजे बह के तो नहीं गुरबाणी सुननी शुरू करेगा अद्धा घंटा पहला लगाएगा अद्धा घंटा बाद भी लगाएगा सो इन्फ्लुएंस कर देने लोगों को। मजीठिया सवाल चुक रहे हैं कि कटारू चक होरी जिहड़ा फैसले लेंगे इन्हां नाल इस तरीके नाल लोग जिवें फोटो करा रहे हैं कि सलमान खान आ गए भी गुरबाणी प्रसारण से इस तरह के उन्होंने तो कोई फैसला नहीं लिया फैसला बाकी पूरे हाउस ने लिया। निजर साहब मीडिया के उपर भी पिछले दिनों के दौरान काफ़ी बड़े हमले हुए हैं जिहड़े रुजगार देंदे सी उन्होंने रुजगार खोहे गए हैं जिवें RMB टैलीविजन हो गया जां अखर चैनल हो गया जां होर अनेक पेज ने द अनम्यूट हो गया इन्होंने पेज उड़ा दिए गए पंजाबी लोक चैनल हो गए मैनू पता नहीं मैं पता फेर नहीं मैं कमेंट की डॉक्टर हमदर्द साहब होर के उपर भी एक बड़ा जिहड़ा कि विजिलेंस के वलों सद्दा भेजा गया उसके खिलाफ भी जिहड़ा कि इत्थे प्रोटेस्ट। देखो इस तरह के करप्शन से कदे अलाउड नहीं होनी चाहिए जे किसी ने करप्शन की है तो फिर उन्होंने पनिशमेंट तो होनी चाहिए चाहे कोई भी हो चाहे मैं होवान चाहे कोई हो रहा है नहीं वो तो लोगों ने फिर कोई ना कोई इस तरह लोगों ने कोई ना कोई गल समझा होंगी है तो फिर लोग जो बेस्ट पॉसिबल उन्होंने चीज़ समझ आती उस तरह चीज़ समझाते ऐसी गल कोई नहीं सरकारी दखल सिखा पसंद नहीं है पर तुम हैरान हो गए किन्ने सिख वेखना चाहते कि गुरबाणी जी प्रसार प्रचार इस सब नू मिलना चाहिए हक ये तुहानू भी मिलना चाहिए तुहाडा चैनल जिहड़ा है तुहाडा चैनल भी इहनू कर सके कानूनी तौर दे उत्ते जेकर इहनू कल हाई कोर्ट जां सुप्रीम कोर्ट रद्द कर दित्ती कर दिंदी है तुहाडे इस फैसले नू ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਉਹ ਖਰਚਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕਰੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਦੇਖੋ ਆਫਟਰ ਆਲ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 40,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਵਧਿਆ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਕਰੀਏ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਲ ਚ ਆਪਾਂ 4ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਸਲਾ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਕਟ ਨਾ ਕੋਈ ਬਣਾਏ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਐਕਟ ਇਹ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਕਿ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੇ 4-5 ਬਣਾਏ ਨੇ ਨਾ ਅੱਜ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।